डेथ रेट होती है, ठीक है, और इसकी इटियोलॉजी। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन दे दी, हाइपोथर्मिया
प्रीमेच्योरिटी, तो ए है प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योरिटी।
असेसमेंट थेरेपी उसको देते हैं, ठीक है। थर्ड होता है प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करते हैं कि प्रीटर्म बेबी में पुअर इम्यूनिटी होती है तो वो अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं कर पाता है, तो उस वजह से उसमें इन्फेक्शन डेवलप होने की बहुत चांसेस होते हैं प्रीटर्म बेबी में। तो प्रीटर्म बेबी में मेनली रेस्पिरेटरी, जेनाइटल यूरिनरी, ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर स्किन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए अर्ली प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए, ठीक है, और जो केयर गिवर है उसको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है, और बेबी को केयर देने के लिए स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो फोर्थ है मेंटेन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए बेबी में जो प्रीटर्म या फिर लो बर्थ वेट बेबी है तो ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रॉल फोर मिल्क, हिंट मिल्क या प्रीटर्म मिल्क एडिक्वेट होता है, ठीक है, और बेबी में सक्शनिंग और स्वॉलिंग रिफ्लेक्स चेक करने के बाद में ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो जनरली सकलिंग और स्वॉलिंग रिफ्लेक्स के लगभग 34 वीक में डेवलप होता है, मतलब जो सकलिंग और स्वॉलिंग रिफ्लेक्स है वो 34 वीक के बाद में ही डेवलप होता है, और प्रीटर्म बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है सकिंग करने की, तो उसकी वजह से क्या होता है वो सकिंग अगर कम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर कैलोरी और फूड भी कम मिलता है, ठीक है। इसलिए प्रीटर्म बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कप फीडिंग या स्पून फीडिंग भी करवानी चाहिए, ठीक है। और तो बेबी में दो फीड के बीच में इंटरवेल, जो इंटरवेल होता है वो बेबी के वेट पे डिपेंड करता है कि कितना वेट है बेबी का, ठीक है। उसके बाद में साइन देखते हैं, साइन ऑफ प्रोग्रेस इन टर्म बेबी, प्रीटर्म बेबी, ठीक है। तो मतलब जो क्या क्या साइन आ गई उसकी प्रोग्रेस में, ठीक है। साइन ऑफ प्रोग्रेस, तो सबसे पहले स्किन का कलर है वो धीरे धीरे पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो ब्रीथिंग होगी वो स्मूथ होगी और रेगुलर ब्रीथिंग होगी, ठीक है। लिम मूवमेंट अच्छा होगा, क्राई भी इंक्रीज होगी बेबी की, और बेबी रेपिडली वेट भी गेन करता है, ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर में दिन में एक दो बार टेम्परेचर ले लेना चाहिए बेबी का, ठीक है, और डेली वेट वेट चेक करना चाहिए प्रीटर्म बेबी का, ठीक है, मतलब क्योंकि जैसे हर दिन वेट गेन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पता लगा सकते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है बेबी, ठीक है, और फर्स्ट 24 आवर में कॉन्स्टेंट सुपरविजन रखना चाहिए बेबी में, ठीक है, और मदर को बेबी की जनरल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग और को मैनुअली एक्सप्रेशन करके उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए मदर को, ठीक है। उसके बाद में एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में क्या क्या एडवाइस देंगे उसको, तो फीडिंग शेड्यूल और फॉर्मूला फीडिंग से रिलेटेड मदर को एडवाइस देते हैं, ठीक है, और हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बेबी की क्लोथिंग के बारे में उनको समझाना चाहिए, ठीक है, और आइसोलेशन को प्रिवेंट करने के लिए बेबी को लेटरल पोजिशन में लिटाने की एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है, और बेबी को इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप्स के बारे में भी बताना चाहिए, मतलब बेबी के इम्यूनाइजेशन कैसे कैसे करवाना है और उसका डेली रेगुलरली हेल्थ चेकअप कब कब करवाना है, कैसे करवाना है, तो उसकी भी एडवाइस मदर को या पेरेंट्स को देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीटर्म बेबी।